बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त हम अफ़गानिस्तान में काबुल में अमारत इस्लामी के मरकज़ी तर्जुमान जनाब ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब के साथ मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत का मौका मिला है, तो एक दो सवालात इनके सामने करते हैं। ज़बीउल्लाह साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि तुर्की के साथ आपके ताल्लुकात किस नौईयत के हैं, और इसमें सिक्योरिटी के हवाले से, तिजारत के हवाले से क्या माहदे हैं, उनमें क्या पेशरफ्त है, और आपकी तवक्कुआत क्या हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अवल खुदा खबर बाद वो कुछ तुर्किया जमु के उगरूर मुसलमान हेवाद दर और तारीखी लिहाजम अफगानिस्तान और तुर्किया डेर उगदी अड़ी के सर लरी उसम जमुक तरमन अड़ी के डेर खीर जमुग अस्ताज तुर्किया तत्ली हो बहनों चार मोहतरम वजीर साहब मोदमख के और देखो अस्ताजिम अफगानिस्तान तरागली दी दौड़ तरमन देर की अड़ी के दे दी वो सफ़ीर दलत मुख सर मौजूद था और से तुर्की सर हम इकतदी रवाबित डेर कवि सी और हम सियासी रवाबित ला हम डेर कवि सी और सुन तरमजम अड़ के डेर सी पदे बार इस्लामी मारा डेर चीती काहिद था ये लको उस तुर्की अरखम ला हम गामो नवाखली रोज पर डेर का गामो नाखिस थी सरमा गुजारे बारह के इकतदी पेशरफ बारह के मुख सर हम खरी करी दी और ला हम हिलमंद हजूर डेर को अफगानिस्तान। अच्छा, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कल्चरल वॉर जो है, सकाफ़ती जंगें जो हैं, वो एक अहमियत इख्तियार कर गई हैं, और इनमें तुर्क सदर तैयब एर्दवान ने बतौर ख़ास इस चीज़ का अहतमाम किया कि तुर्क मुस्लिम सकाफत और तारीख को बढ़ावा देने के लिए, फ़रोग देने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन की है ड्रामों और फिल्मों के ज़रिए से मगरबी असर को ज़ाइल किया है और मुस्लिम सकाफत और हीरोइज़म को फ़रोग दिया है। पाकिस्तान में भी इस वक्त तुर्की के साथ मुश्तरका प्रोडक्शन में सलाहुद्दीन अयूबी के हवाले से काम हो रहा है। अफ़गानिस्तान की बहुत अहमियत की हामिल तारीख है, तो मुस्लिम हीरोज़ यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान के मुस्लिम हीरोज़ को हवाले से तुर्की के साथ कोई या अपने तौर पर आप कोई प्रोडक्शन करें फिल्में और ड्रामे इस हवाले से? मुहिम काम है तुर्किया दे ठोल इस्लामी नड़ी अस्ताज तो की तारीखी लिहाज हो दे कहरमान बैकग्राउंड दरी कोशिश बैदा हुई से इस्लामी तारीख जुंदा सी इस्लामी तारीख ठोल इस्लामी हिवादुर सर मुश्तरक बल्कि अफगानिस्तान इंशाल्लाह अखबर हिस्सा अफगानिस्तान हम तारीखी लिहाज डर क्लैक खलक हो मजबूत खलक दरुदिल दी तारीख के ही लखो से पदी बरख के तुर्की हिवादा मुखसर दे फिल्म को बरख के हम जाए दो सकाफत और तारीख दे कामयाबी और प्रमुखता को बरख के हम लमुख सर अगो हम हमकारी वो लगी सक मुख्य शयान टूल नहीं भी दी दलता निज़ाम महार से नहीं भी दी और कोमक तरूरत करो और तुर्की पर दी बरख लमुख सर अड़ी के वो लगी और मुख सर अपल नज़रियात शरीक की इंशाल्लाह मुझे हमकारी हो सकते। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि तैयब एर्दवान तुर्की की जो भी सूरत हाल इक्तसादी हवाले से जितनी भी माशी मुश्किलात हुई या दाखिली या खारजी हवाले से उन सब पर काबू पाते हुए या उनका मुकाबला करते हुए एक तरफ वो मुस्लिम मजलूम मुसलमानों की भी आवाज़ बने हैं, पूरी दुनिया के मजलूम मुसलमानों के उनको एक लीडर के तौर पे देखा जाता है, तो ये जो इस खित्ता है, इस खित्ते में जहाँ पर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान भारत ये रीजन है, तो इसमें कश्मीर जो है वो उसके जो मजलूम मुसलमान हैं वो निसफ सदी से ज़ायद जो है वो भारतीय जबर का शिकार हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इमारत इस्लामिया उन मजलूम कश्मीरी मुसलमानों के लिए क्या उम्मीद हौसले या तकवीत का बाइस बन सकती है? और भले कश्मीर मौजू या वडेर उगदा मौजूद है अवदाद इस्लामी नड़े स्तुनजा बात हाल से वो वार्ड अवल के सिद्धा स्तुनजा द कश्मीर द खल को पोखता ना और द कश्मीर द मजलूम मुलस द हिल पर असास बंद हाल से और दीदी खिता के मुख्य जंगम तरफदार जंग वाकई जबकि जंग मख किम नतीजा न दौर करी जकाल तेला दी कश्मीरियान स्तुनजी मुश्किल जिर करी दी आसानी न दरा हुआ हिंद मवाड़ो से दगा मौजू के कश्मीरियान हकूक तब वही एतनाव की सोच अब तुर्की रोलम पर दिख डर मुहिम जब तुर्की उधर बासुबात हुकूमत लड़ी आसार लड़ी हिंद सर एम अड़की हुई अखबल अड़िको न पर इस्तादा बाद कश्मीर मजलूम उलस गरस है इस्लामी इमारत में चुम सतवान की हुई चुम ताकत की हुई दे मजलूम कश्मीरी उलस सर डरी और देखो दे दाए हिमायत के लिहाज बहुत शुक्रिया जजाक अल्लाह।